पंजाब पुलिस पे ऐसा प्रेशर आया वाहेगुरु की ये 295 ए का पर्चा यानी किसी नहीं तो आज जो बॉबी विक्की भाई ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड का चौथे नंबर का चर्च यहाँ पे जलंधर में बन रहा है, बनने की तैयारी हो रही है, बन ही रहा है। अब ये चेक करो कि भाई ये 2000 करोड़ रुपया बजेंद्र सिंह का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ये चर्च बना रहा है कि जहाँ से ये 2000 करोड़ रुपया ला करके खर्चा करेगा। जैसे मुर्दों को जीवित करना, पाखंड जो बिजनेस जो पंजाब में करता है भाई, धर्म का ये धंधा जो छोटी सी बात है कि ये पगड़ी जो है ना ये पंजाब बॉर्डर स्टेट पड़ता है। मेरा सवाल वही था, ये पगड़ी जब तक दिख रही है ना तो बॉर्डर सेफ है, लेकिन सारी देखिए वो ऐतिहासिक दिवस 11 नवंबर 1675 भाई गुरु, हिंद के चादर, मानवता के चादर, धर्म परिवर्तन को रोका गया। पास्टर बिजेंद्र सिंह ये नाम शायद आप लोग सुने होंगे, इससे पहले भी कई बार हमने आर्टिकल लिखी है। अब ये पास्टर बिजेंद्र सिंह है कौन, आखिर ये पास्टर बिजेंद्र सिंह करता क्या, आखिर लोग इसके पीछे इतनी जो हुजूम जाती है, क्या है पैसे का इस पावर है, एक कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है, क्या इस पे सरकार ध्यान दे रही है। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब, स्टार्ट करता हूँ पंजाब से, फिर आते हैं महाराष्ट्र में। पंजाब में कई ऐसे शहर हैं जहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि कई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कई हिंदू सिख, कन्वर्जन होना, फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, और खासकर जब पैसे के दम पे जो कन्वर्जन होती है और जो अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है और अपने आप को जो भगवान बनाने की जो कोशिश हो रही है इसमें कितनी सच्चाई है। तो आज हम इस पे पूरे डिबेट करने के लिए आज विक्की थॉमस सतनाम जी आज हैं और जसपाल जी हैं हमारे साथ इस पर डिबेट में हैं, और इनकी पूरी जो करतूत है, खासकर मैं विक्की थॉमस से शुरू करूंगा। आपके ऊपर एक केस हुआ है पंजाब में, वाहेगुरु, तो ये केस किसके लिए हुआ और आखिर जो कन्वर्जन का जो मुद्दा उठा रहे हैं ये बिजेंद्र सिंह है कौन? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु केस, वाहेगुरु वो भी पंजाब पुलिस पे ऐसा प्रेशर आया वाहेगुरु कि ये 295 ए का पर्चा यानी किसी यानी जीसस के बारे में मैंने गलत बोल दिया, लेकिन वाहेगुरु जीसस के बारे में मैंने गलत नहीं बोला वाहेगुरु, मैंने एक इंसान के बारे में गलत बोला जिसने जीसस का नाम को मिसयूज किया। जैसे मुर्दों को जीवित करना, पाखंड जो बिजनेस जो पंजाब में करता है वाहेगुरु, धर्म का ये धंधा जो चला रहा है वाहेगुरु उसका पंजाब में वाहेगुरु, तो ये जो बंदा है जिसके लिए वाहेगुरु मेरा एक स्टेटमेंट था होले मल्ले पे कि वाहेगुरु जब वो मुर्दों को जीवित करता है, जब तू इतना मैजिक कर सकता है, एक हाथ घुमाओ तो वाहेगुरु सब उड़ के जा सकता है, तो महाराज ने जो शस्त्र दिया है उसे बकरे काटने का वाहेगुरु वो सर दर से अलग कर दे, तो वो करके दिखा दे फिर मैं मान जाऊंगा, लेकिन उसने वाहेगुरु उसके लोगों ने कुछ अलग ही वो मुद्दे को लेके गया वाहेगुरु, तो वो FIR उधर से शुरू। लेकिन वाहेगुरु ये जो है अब वो मुंबई में आके वाहेगुरु यही धर्म परिवर्तन वो हिंदुओं को बनाएंगे क्रिश्चियन, वो वाहेगुरु सिखों को वाहेगुरु सिखों का टर्बन के साथ भेद भी कर रहा है। तो वाहेगुरु मुंबई में पहला तो वाहेगुरु जो इंसान खुद का नहीं इसका नहीं हो पा रहा है, परमिशन नहीं मिल पा रहा, 12 मई को वाहेगुरु प्रोग्राम रखने वाला, न जाने कहां कहां से लोग आए वाहेगुरु वो BKC ग्राउंड में कहां कहां से लोग आए, लेकिन वाहेगुरु खुद के लिए परमिशन नहीं अरेंज कर पा रहा है, और वाहेगुरु कैंसर पेशेंट ठीक करने निकला, और फिर देखो 19 तारीख को वाहेगुरु अभी 19 तारीख को भी वो भी कैंसिल होने वाला, ये अकेले हमने नहीं किया वाहेगुरु, यहां पर सब साथ में खड़े। नवी मुंबई वाहेगुरु जो इतने गुरुद्वारे हैं, जब कोविड में पैंडेमिक में वाहेगुरु जब दाना पानी नहीं था ना तो वाहेगुरु तंत्र मंत्र करके काला जादू करके कुछ नहीं किया था, ये लंगर सर्व करने वाले ये सिंह है, ये सिंह का वाहेगुरु नाम बजिंदर सिंह, पास्टर बजिंदर सिंह 8 ईयर्स उम्र की लड़की की रेप करता है, ये कोई सिंह नहीं करता है, सिंह मानवता का निष्काम सेवा करता है, वही जो 10 गुरु ने वाहेगुरु अपना सीख दिया जो ये लोग फॉलो करते, तो वैसा जुड़ा वाहेगुरु में, और अभी ये प्रोग्राम के पीछे भाग रहा जबकि इसको परमिशन मिलने ही नहीं वाला है वाहेगुरु ये पाखंड के लिए। ये जो पंजाब में आपसे बात करूं तो पंजाब में जो आज कन्वर्जन के बारे में चल रहा है, जो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कन्वर्जन हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ही बड़ी मात्रा में कन्वर्जन हो रहा है,
ये लोगों को जागरूक करवाने का बहुत बड़ा ये एक मुद्दा है कि लोग अंधश्रद्धा में इनके पीछे लग करके या किसी भी तरीके से ये बहकाता है बहकाता है, लोग इसके पास कोई बीमारी का बहाना लेकर के, कोई मजबूर लोग होते हैं जिनको कोई मतलब इलाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी बहाने से ये इनके लोग ही छोड़े होते हैं गांव गांव शहर शहर में, वो उनको मोटिवेट करके इस तक ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद में उसको वो पैसे के वजह से इलाज में रुकावट आ रही होती है तो वो उनको अपने क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करा के बोलता है कि तुम्हारे इलाज में हम कंसेशन कर देंगे, या इस तरीके से कुछ भी बहका के लोगों को कन्वर्ट तो कर ही रहा है, मतलब बेवकूफ भी बना रहा है। कई लोग तो बेचारे मौत के कगार तक पहुंचे हुए लोग हैं, वो इनके पास मजबूरी में चले जाते हैं, वो अपनी उनका मतलब ठीक तो क्या होना है, वो दुनिया छोड़ जाते हैं, उतने में उनका फैमिली और सब उनको कन्वर्ट कर चुके होते हैं। ये जो पूरा पंजाब, तो इसमें पंजाब सरकार या फिर इतने सारे वहां पर पंगत है, संगत है और एक पूरी कल्चर, तो क्या जो कन्वर्ट हो रहे उनको कुछ समझाने वाला है कि नहीं कि ये एक पाखंड हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल समझाना चाहिए, समझाने वाले लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी पंजाब की बड़ी बड़ी संस्थाओं को उठानी चाहिए, सिख संस्थाओं को, हिंदू संस्थाओं को उठानी चाहिए। पता नहीं क्यों वो लोग इस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं, चुप मार के बैठे हुए हैं। हम खुद इस चीज के लिए हैरान है कि हम मुट्ठी भर लोग हैं बॉम्बे के अंदर, बहुत ज्यादा गिनती में नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे के अंदर इसने शुरुआत की है, आज शुरुआत में ही हमने इसके नाक में नकेल डाल दी, और हम पंजाब से यही उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे के मुट्ठी भर लोग हैं, वहां पर तो भाई आप लोग भर भर के हो, पंजाब के लोग कोई चीज की कमी नहीं है, खालसा पूरे जोश में पंजाब में है। तो यहाँ बॉम्बे में हमें गिनती चुनती के लोग हैं जिन्होंने इसको बॉम्बे घुसने नहीं दिया। सही बात। तो पंजाब वाले क्या कर रहे हैं, जागो पंजाब वालों, भी जागो भाई। मेरा वही सवाल था कि जब आप लोग एक छोटे से एक संगठन भी एक खड़ा भी कर रहे हैं, आप लोगों ने विरोध कर रहे हैं, तो इसमें बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? वही मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या लोग जग क्यों नहीं रहे, क्या कारण है, डर है? मैं डर की नहीं बात करूंगा, ये लोगों को एक्चुअली ना जागरूकता नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। जागरूकता लाना जो है ना, जैसे हमारे समाज के लोगों के जो बड़े अहदेदार लोग हैं या जो भी हमारी बड़ी संस्थाएं हैं, मैं जो भी पंजाब सिखों की बड़ी संस्थाएं या हिंदुओं की बड़ी संस्थाएं हैं, ये सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो अपना घर, वो अपना परिवार, उनका परिवार है जो भी ये कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, वो बड़ी संस्थाओं को, बड़े समाज सेवकों की, ये उनका परिवार है, उनको अपने परिवार को संभालना है ताकि वो कहीं मिसगाइड ना हो। ऐसे हिंदू जो भाईचारा है, उनके बड़े बड़े संस्था स्मरण जो भी लोग हैं, उनकी भी जवाबदारी बनती है कि वो अपने परिवार को, अपने लोगों को संभालें, है कि नहीं, वो उनकी जरूरतें पूरी करें। अगर कहीं वो कहीं मजबूर है किसी चीज के लिए, उनको वो बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आज सिख समाज में, हिंदू समाज में ऐसे लोग नहीं है कि नहीं संभाल सकते, संभाल सकते हैं बिल्कुल, उनको कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो यही सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है कि जो बड़ी संस्थाएं हैं वो अगर इस चीज के ऊपर फोकस करेंगी तो ये चीज को रोका जा सकता है। अभी आप जैसे पीछे भी आप देख रहे हैं और ये जब आप वीडियो देखते हैं, खासकर कई लड़कियों को नाचते हुए, डांस करते हुए, ठीक होते हुए जब आप देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ा दिखने में पूरा पाखंड दिखता है, पूरा जैसे एक फिल्म बनाई जाती है, डायरेक्शन प्रोडक्शन ये पूरा उसी तरीके से दिखता है। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा ये चीज, कोई आम छोटा बच्चा भी, मैं अपने बच्चे को भी दिखाऊंगा वीडियो तो उसको समझ में आएगा भी ये एक्टिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्टिंग ही होता है वो। पर इसमें एक ही चीज का जो मास्टर स्ट्रोक उनका है वो है मजबूरी, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और उनको गुमराह करके इस चीज के पीछे लगाया जा रहा है, और कुछ नहीं है, नहीं तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा भी ये एक्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए, जब तुम्हारे पे केस हुआ तो एक केस किसने किया है? क्योंकि ये सब पाखंड के खिलाफ में खड़े हुए इसकी वजह से, या फिर कि विक्की थॉमस एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन हो कि क्रिश्चियन के बारे में कैसे बात कर रहा है, इसकी वजह से हुआ है? देखो, क्रिश्चियन नाम को बदनाम करने के पीछे कुछ ऐसे लोग निकले, क्रिश्चियनिटी में वाहेगुरु ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। बचपन से चर्च जा रहा, लेकिन ऐसा पाखंड ही नहीं होता है, मुर्दों को जीवित करना नहीं, मुर्दों को दफनाया जाता है ग्रेवयार्ड में। तो ये सब चीजें जो है, ये जो बिजनेस बनाई, ये क्रिश्चियनिटी में नहीं है। मेरे पे किसने, जिसने एफआईआर किया उसका सरनेम भी सिंह है, राजू सिंह, उसने लिखा है कि विक्की थॉमस एक सिख
गलत चीज बोल दिया वाहेगुरु, क्या उल्टा बात कर रहा है, ओरिजिनल और वो वाहेगुरु डुप्लीकेट उसके पास कुछ भी नहीं है। इन लोगों के पास ना बैप्टिज्म सर्टिफिकेट रहेगा, ना कंफर्मेशन सर्टिफिकेट रहेगा, ना कम्युनियन सर्टिफिकेट रहेगा, ना इन लोगों को 12 डिसाइपल तक का नाम मालूम है। इन लोगों को कुछ मालूम नहीं कि क्या है क्या है, बस परमेश्वर ये करेंगे, परमेश्वर वो करेंगे, परमेश्वर ही ऊपर सब एक, अकाल सब कुछ एक है, वो चलाता है। लेकिन वाहेगुरु इन्होंने उस चीज को ऐसा, मतलब कोई लेडी आके अगर बैठेगी वो बेचारी परेशान रहेगी, वो अपने पहली सी लड़की को खड़ा करेगा उधर, बोलेगा इनका नाम लो, लोकेशन लो, इसका प्रॉब्लम शेयर करो, वो लड़की लिखेगी सब कुछ, स्टेज के पीछे जाके वो बजिंदर सिंह के हाथ में देंगे, बजिंदर सिंह बैठ के पढ़ेगा, स्टेज माइक पे लेगा, कोट सूट में बात करेगा, सीधा उसके बारे में बोलेगा, या मेरे को ऐसा लगा परमेश्वर ने बोल दिया है कि इधर से अमृतसर से एक लड़की आई है उसका ये, वो लड़की खड़ी होगी ना पागल होके, अरे मेरा नाम ले लिया, अरे अरे ये कुछ तो है, एक तो पहले से एक तो मेंटली टॉर्चर्ड है, और अगर किसी ने अगर उस टाइम पे साथ दिया, हॉस्पिटल में क्या कम लूट रहे क्या, हॉस्पिटल में अगर 20 लाख बिल रहेगा तो वाहेगुरु 25,000 प्रेयर का लूट रहे ना, लूट लो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हो रहा है इधर। वो पाखंड में लोग अपना जाल बिछा के एकदम लूट रहे लोगों को, वर्ल्ड के इतने इतने बड़े बड़े चर्च बन रहे, 2,000 करोड़ का चर्च किसको बोलते, 2,000 करोड़ किसको बोलते, फंड आता कहां से, होली वॉटर कौन बेचा है, जीजस ने क्या किया, जीजस ने हाथ में इधर कील टुका ना तो लटका भी ना, उसके बाद तीसरे दिन के बाद रीजन हुआ, ये इसको बोलू तो इसने एफआईआर कर दिया, करके दिखा दे जो है मिराकल करके दिखा, जीसस पानी में चला, जीसस पानी में चला, चल के दिखा दे पानी में, एक एक कैंसर टाटा हॉस्पिटल है, आप इधर प्रोग्राम करने का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगो ने ही बोला वाहेगुरु मेरे को कि इधर टाटा हॉस्पिटल है, इनको बोलो खाली इधर चल के जाने के लिए, टाटा हॉस्पिटल वाले मरीज ठीक हो जाएंगे, हम लोग भी मान जाएंगे कुछ किया है। इतने लोग, ये जितने भी वाहेगुरु मेरे साथ में आज बैठे ना, ये लंगर किधर भी जाओ सेवा, ऑक्सीजन का सेवा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, तब इसका ये पाखंड बिजनेस किधर गया, अभी इसको इतना ही जब कुछ, इतना बड़ा इसने किया है, इतना बड़ा इसका धंधा है, तो इसको परमिशन के लिए क्यों चाहिए, बागम दौड़ी 12 कभी 19 कभी 24, लेकिन कभी भी इसको परमिशन नहीं मिलेगा मुंबई में। तो सिंगो एक ही बिनती है, गुरुओं का धरती वाहेगुरु अपना पंजाब, जिसको फतेह किया था बाबा बंदा सिंह बहादुर ने नांदेड़ से, वाहेगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के हाथों से 5 तीर लेके, तो वो पंजाब आज डूबता दिख रहा है, दस्तार रेंगा जा रहा है, जब नवी मुंबई के सिंह जाग गए, सिंगो जागो, दरबार साहब है, 4 द्वार है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबके लिए द्वार खुला है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट किचन है वाहेगुरु, क्या कुछ नहीं है, इतना बड़ा ऐतिहासिक गुरुओं का स्थान में ये कन्वर्सेशन हो रहा है, जब मुंबई में ऐसे सिंह खड़े हो गए तो वाहेगुरु तुम लोग क्यों पीछे हो, वाहेगुरु आवाज दो, खड़े हो जाएंगे, ये पंजाब भी पहुंच जाएंगे, पंजाब के लिए अपना सर भी कटाएंगे वाहेगुरु। आज जो सबसे बड़ा, आज जो सबसे बड़ा स्वर उठ रहा है कि पंजाब, और जब हम शहीदी दिवस मना रहे yes. जिस एक कन्वर्जन के खिलाफ एक शहीदी दिवस, इसके बारे में भी आपने हमारी पूरी स्टोरी देखी थी, एक इतना बड़ा इतिहास है, आज पूरा पंजाब में स्थिति क्यों खराब हो रही है, लोग कन्वर्ट क्यों हो रहे, ये राजनीति, कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है इस देश में आने वाला है, जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, जिनको अपनी संस्कृति, अपने जो विचारधारा थी, यहाँ की जो पूरी कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इस पे मुंबई के लोग जग रहे हैं, और जिस तरीके से कुछ ही लोग ने विरोध किया, क्या ये विरोध कंटिन्यूस लोग जगेंगे, साथ देंगे, और ये जो पूरा पाखंड का खेल चल रहा है, इस पाखंड का खेल एक कब खत्म होगा, और सरकार क्यों जग रही है, अंतिम दौर में हम जा रहे हैं, ये जो पाखंड का खेल है, आपको क्या लगता है कि ये उसका खत्म महाराष्ट्र में होने वाला है, मुंबई में, ये बस पूरे देश से ही खत्म होना चाहिए ये पाखंड का खेल, जो पंजाब में ये चीज इन्होंने शुरू करी हुई है ना, ये तो गवर्नमेंट को इसमें देख करके इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, छोटी सी बात है कि ये पगड़ी जो है ना, ये पंजाब बॉर्डर स्टेट पड़ती है, मेरा सवाल वही था अगला, पंजाब बॉर्डर की स्टेट पड़ती है, ये पगड़ी जब तक दिख रही है ना तो बॉर्डर सेफ है, करेक्ट, मैं सिख हूं इस वजह से नहीं, इस चीज को आप भी मानोगे, या किसी भी इंडियन से, किसी से भी मानोगे, इवन इंडियन को छोड़ो, आप पाकिस्तानियों से भी सवाल कर लोगे, वो ये पगड़ी से डरते हैं, और ये पगड़ी को ही खत्म करने की साजिश है, आपको लगता है कि अंतरराष्ट्रीय साजिश, बहुत बड़ी साजिश है, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय साजिश है, नहीं तो आज जो बबी विक्की भाई ने बताया
कि 2000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड का चौथे नंबर का चर्च यहाँ पे जलंधर में बन रहा है, बनने की तैयारी हो रही है, बन ही रहा है। अब ये चेक करो कि भाई ये 2000 करोड़ रुपया बजेंद्र सिंह का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ये चर्च बना रहा है कि जहां से ये 2000 करोड़ रुपया ला करके खर्चा करेगा। अगर इसका कोई बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, या तो ये ठगियां मार रहा है लोगों को, उससे ये 2000 करोड़ रुपया इकट्ठा करा है, अगर वहां से भी ठगी मार के इतना पैसा नहीं जमा हो रहा है तो इसको फंडिंग कहीं बाहर से कहां से आ रही है, जो हमारे देश के अंदर दीमक की तरह अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला कर जाएगी। ठीक है, ये खोखला हो गया तो समझो कि ये देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, पगड़ी बचाओ देश बचाओ, मैं तो यही कहूंगा। ये सरकार का काम है, आज सरकार में भी इतने बड़े बड़े अहदेदार पगड़ीधारी लोग आज प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच रखते हैं। Correct. उनकी जवाबदारी बनती है ये सरकार के कानों में ये चीज पहुंचाना कि ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इसके ऊपर ध्यान दो। और ये पंजाब जो पूरा जो बॉर्डर एरिया है, और कहीं ना कहीं ISI इनके लोग बहुत एक्टिव हो गए जब से, और खासकर जब से पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ इलेक्शन से पहले। ये बजेंद्र सिंह का आखिर अपना पंजाब को ही क्यों चुना, ये बात बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इन्होंने पंजाब को सबसे पहले क्यों चुना। और ये पूरे देश में चल रहा है, सिर्फ अरे पंजाब में तो शुरुआत हुई थी, ये महाराष्ट्र से लेकर अदर क्षेत्रों में जितने भी नॉर्थ के जो एरिया है वहां से भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, और खासकर जितने भी ट्राइबल एरिया है आदिवासी एरिया में इनका अब ये घुसपैठ शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़े खतरे की आहट है। और आपको क्या लगता है, अभी आप होम मिनिस्टर से यहाँ के सरकारों से भी आप लोग मिलने वाले हैं अभी? हाँ जी, हम अभी होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, बाकी हमने पुलिस के कमिश्नर साहब, ACP, DCP पूरे ऑल ओवर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे सभी को पत्र दिए हुए कि बॉम्बे और न्यू बॉम्बे की जो संगत है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो आप लोग एक तरीके से क्लैश पैदा करेंगे, या तो अब उनको रोक लो जो यहाँ पे आ रहे पाखंड करने के लिए, उनकी परमिशन है सब रद्द करो, तो फिर ये क्लैश बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा फिर नुकसान होएगा स्टेट का। तभी कितने संगत अभी लगता है विकी कि अभी इस पूरे मुहिम में जुड़ रहे हैं? वाहेगुरु, नवी मुंबई पूरा वाहेगुरु, सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवी मुंबई 11 गुरुद्वारे जितने हैं और मुंबई के जितने भी गुरुद्वारे सबके सब वाहेगुरु इस चीज का, ये जो धर्म का वाहेगुरु धर्म परिवर्तन का जो धंधा है, जो एक टाइम पे औरंगजेब ने किया था, कौन है गुरु तेग बहादुर जी, हिंद के चादर, क्या जरूरत था नरेंद्र मोदी जी को वाहेगुरु सिक्के तैयार करने का उनके गुरुपुरब में, क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए वाहेगुरु शीश कैसे समर्पित किया, टर्बन वाहेगुरु खोलने को कहा गया था, टर्बन खोलो मुस्लिम कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन सरी दे दिया। वो ऐतिहासिक दिवस 11 नवंबर 1675 वाहेगुरु, हिंद के चादर, मानवता के चादर, धर्म परिवर्तन को रोका गया। वो कश्मीरी पंडितों को जो जिस पंजाब में आनंदपुर साहिब में वाहेगुरु आनंदपुर साहिब एक ऐतिहासिक स्थान, वहां पर कश्मीरी पंडित पहुंचे थे, तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने पिता को बोलते आपसे बढ़कर कौन है वाहेगुरु जो इनका धर्म रक्षक करोगे, तो वो पिता के ही तो ये बच्चे है, अमृत शक्कर इनका जिंदगी है, कटने के लिए तैयार रहेंगे, सेवा भी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब इनको मालूम पड़ा वाहेगुरु ये चीज हो रहा है मुंबई में, जमीर जगना, मतलब एक जमीर होता है वाहेगुरु इंसान का, नहीं मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, ये धर्म परिवर्तन का जो बिजनेस है सबसे बेकार और नीच लोग करते हैं वाहेगुरु ये काम, छोटे छोटे बच्चे वाहेगुरु शहीद हुए इस चीज को लेकर, लेकिन वाहेगुरु देखो आज ये वही बंदा अपना नाम के पीछे से सिंह नहीं हटा रहा। मेरा मेन पॉइंट ये है, और ये बिजेंद्र सिंह अपना नाम क्यों चेंज कर, जब इसको हिंदू नाम रख के, अब खासकर जब ईसाई कन्वर्ट हो चुका है तो अपना ईसाई नाम क्यों रखता है, क्यों नहीं रखता है? जैसे कि आज मैं विक्की थॉमस है, मैं अमृत छकेगा तो मेरा नाम रहेगा विक्रमजीत सिंह खालसा, ये मेरा नाम रहेगा, ये अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर रहा, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। ये जितने भी अभी पंजाब में देखोगे ना आप, सिंह, ये लोग क्या सिंह मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, फेक फ्रॉड लूट रहे, ये कोई सिंह नहीं करता है। आज जो भी देखो टिप्पणी करते रहता है, जो भी देखो कॉमेडी करता रहता है वाहेगुरु, ये सिंह। और ये जो टर्बन की बात किया ना, एक बहुत चर्दी कला बात बोल दी है अपने वीर ने कि वाहेगुरु दस्तार बचाओ देश बचाओ, यही वो पगड़ी है वाहेगुरु। जब 12 बजे लूट रहे थे ना औरतों की इज्जत, जब मुगलों ने लूटा था तो सिंहों ने धर्म नहीं देखा,
अपना शीश दिए लेकिन उनकी इज्जत बचाए, ये वो ईटर बने जो कभी एंड टाइम में वाहिगुरु एक औरत की इज्जत भी बचाएगा। तो वाहिगुरु ये ना ताज है ताज। लेकिन यहाँ पर तो औरंगजेब के जो कब्र है वहां पर लोग जाके अभी AIM के जो सांसद है, सांसद नहीं उनके पूरा मिनिस्टर है वहां पर जाके आज चढ़ा रहे हैं। तो वाहिगुरु हम भी वही विक्की थाव में से वाहिगुरु जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की मत्था टेके उस नीच के कब्र में जाके उसको उल्टा सीधा बोल के, क्योंकि उन्होंने हमारे वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का पिता के साथ गलत किया। तो वाहिगुरु वो आके मत्था टेके, वाहिगुरु ये इंडिया है, यहाँ पे पेन को भी भगवान मानने का अधिकार दिया हुआ है, जिसको जो मानना है मानो वाहिगुरु, लेकिन हमारे लिए धर्म परिवर्तन करने वाले से बड़ा नीच आदमी दुनिया में और कोई नहीं, अपने धर्म के लिए कट्टर, ये एक सबसे बड़ी बात है। वाहिगुरु पंजाब के सारे सिंघों को एक बेनती है, सिर्फ एक, ये ऐसे दोगले पास्टर वास्टर के पास मत जाओ, सिर्फ एक बार फतेहगढ़ साहब जाओ, वो जिंदा दीवार में जा चिनवाए गए ना वाहिगुरु, वहां पर क्या कुछ नहीं टॉर्चर फेस किया, क्या कुछ नहीं मिल रहा था, जिंदा ईट जिंदा दीवार में वजीर खान ने चिनवाया था। एक बार बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, एक बार आप जाके वहां जाके देखो, एक बार दीवार को छू के देखो, शायद वाहिगुरु वाहिगुरु मेरा क्रिसमस बनाना छोड़ दिया मैंने, वाहिगुरु 20 से लेकर 28 तारीख तक फतेहगढ़ साहब में रहता हूँ, क्या ठंड रहेगा, वो ठंडे बुर्ज में खड़े करके रख दिया वाहिगुरु, लेकिन फिर भी धर्म नहीं कन्वर्ट किया, तो धर्म में अटल रहो वाहिगुरु, मैं भी अपने धर्म में पक्का ही है वाहिगुरु, हाँ बीच बीच में चर्च जाओ अगर कुछ भी रहेगा, ये कोविड में भी वाहिगुरु मेरे चर्च के फादर ने मेरे को लेटर दिया ना, तो चर्च के फादर बोलते यार तुमको कौन लेटर देने से मना करेगा, लेटर तुरंत दिया, क्योंकि कोविड में जब पैंडेमिक में राशन चाहिए थे तो इन्हीं को बोल के वाहिगुरु मेरे को उनको किट दिया मैंने, ये कौन बच्चे, वही पिता के बच्चे, आज्ञा मिलता है वाहिगुरु सेवा करने मानस का, जो 20 रुपए का लंगर बाबे नानक जी ने शुरू किया उसको ये लोग आगे लेके चल रहे और उसके साथ में मैं जुड़ा हुआ वाहिगुरु और कुछ नहीं। तो ये जो पूरा पाखंड का जो खेल है और खासकर जो एक मुहिम छोड़े हैं आप देख रहे हैं अभी, तो आज हम लोग और पेरों से बात करेंगे। आपका जो ये सुप्रीम काउंसिल है और सुप्रीम काउंसिल को आप मैनेज करते हैं, ये सुप्रीम काउंसिल जो है आने वाले समय में और भी इस मुद्दे पे क्या ऐसा चीज करने वाली जिसपे सरकार जगे, आप सरकार तक पहुंचने के लिए सुप्रीम काउंसिल के जो मेंबर है क्या आप लोगों ने पूरे एक इसकी बैठक की है आप लोग कि हम इस चीज पे आगे बढ़ेंगे? देखिए सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवी मुंबई गुरुद्वारा इसका जो रोल है इस समय वो पूरी तरह से एकदम वन साइडेड है, धर्म परिवर्तन चाहे सिखों का है चाहे हिंदुओं का है किसी का भी है उसके हम खिलाफ है। इनका जो दो तीन हमने पॉइंट पकड़े हुए हैं वो दो तीन पॉइंट जो ये है, एक तो बीमारी का सहारा ले रहे हैं लोगों के, दूसरा जो गरीबी का जो इनका जो सहारा है जो गरीबी का फायदा उठा रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, कुछ जैसे होते हैं ना स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के तौर पे अपने अपने इन्होंने स्कूलों में कोर्स शुरू किए हुए हैं, किसी को कारपेंटर का करा देते हैं किसी को कुछ करा देते हैं, उस पे ये लोग अपने अपने सेल तैयार कर रहे हैं, तैयार करते हैं बच्चे को और उसको काम पे लगाते हैं, काम से फिर वो अगला एक विक्की थॉमस अभी फेमस हो रहा है, काम कर रहा है, मैं उससे प्रेरित होऊंगा मैं भी उसको ज्वाइन करूंगा, ऐसा धीरे 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 ये चैन बना रहे और स्टार्ट इन्होंने किया स्कूल से, पहले स्कूल स्टार्ट किए, स्कूल के अंदर इन्होंने स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट किए, उसके बाद ये लोग कन्वर्जन बीमारी ये वो सब का फायदा उठा के एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं, और सुप्रीम काउंसिल नवी मुंबई गुरुद्वारा हमेशा इनके खिलाफ लड़ेगा और लड़ता रहेगा। तो क्या मेरा सवाल है कि क्या मैं जो इसी बात पा रहा था, जैसे इन लोगों की शुरुआत करते हैं ऐसा ही क्यों नया एक ऐसी संस्था है जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चालू करे। तो मेरा सवाल अभी था क्या अभी इतनी बड़ी संस्था है आप लोग तो बहुत सारी चीजें करते हैं, तो क्या इस चीज पे फोकस करने के विचार है भविष्य में? हमारी सुप्रीम काउंसिल नवनी गुरुदास के 14 एकड़ का लैंड हमने ले लिया हुआ है जिसमें हम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और ये स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं हम लोग पहले से मीटिंगें चल रही हैं हमारी, बीच में कुछ कारणों की वजह से ये डिले हो गया बट अभी हमारा फुल फ्लो में मीटिंगें चल रही हैं, हम लोग इसी चीज पे काम कर रहे हैं भी, ये जिस चीज का फायदा उठा रहे हैं एक टारगेट पकड़ के चल रहे हैं उसी टारगेट को हम लोग अपने अपने बच्चों को ये प्रेरित करें। और नवी मुंबई सुप्रीम काउंसिल का जो हमने भी कई बार इनके चीजें हमने देखी है, खासकर जब पेंडेमिक में जब हम पूरी एक रिपोर्टिंग कर रहे थे तो खासकर एक जो ग्रुप है एक इंटेलेक्चुअल प्लस ए बिजनेसमैन तो बाद में है, सबसे पहले एक ह्यूमन और जो मानवता की तरफ इनका जो विचार है, ये जो नेचर आया है, ये जो पूरा यंग है, ये जो काम करते हैं, तो क्या जो कन्वर्जन में जा रहे हैं उनके पीछे क्या उनको इतिहास दिखता नहीं है क्या? देखिए मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर
नावी इतिहास जीता क्यों नहीं है। नवी मुंबई गुरुद्वारा वाहेगुरु पूरे मिलकर आज भी मुझे याद है इन्होंने वाहेगुरु एक टैंकर तैयार किया 10,000 लीटर टैंकर था ना, सैनिटाइज पूरा सिटी को सैनिटाइज किया। अगर वाहेगुरु ये कोई और मसीह बसी रहता ना, मसीह बनो ये नहीं किया इन्होंने। ये जो लंगर सर्व किया ना, जब किट बांटे या ऑक्सीजन बांटे, मसीह बनो ये नहीं किया इन्होंने। नहीं बोला सिख बनो, सरदार बनो, या तो तुम अमृत छको, नहीं किया इन्होंने। इन्होंने ह्यूमैनिटी को सेवा किया। यही गौशाला में भी जाते थे तो वाहेगुरु ये जाते थे गौशाला। मेरा सवाल ये था कि ये जो आया, ये जो भावना आती है और जो कन्वर्ट हो रहे हैं, यस, वो क्यों भूल जाते हैं? ये वो भी तो वही, यही तो बोलो मजबूरी जब होता ना इंसान का, आज मजबूर थे। आज इन लोगों को एक एक गरीब नवी मुंबई का जानता रहेगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी के टाइम पे इन्होंने सहारा दिया। जो काम शायद सरकार भी फेल हो, उस चीज में ये खालसा आगे था। अब ये वीर जी देखो, टैंकर एसोसिएशन, कौन से गांव में आप लोग टैंक लेके गए थे? वहां पर जहां पे एक बूंद पानी नहीं था, गांव क्या जालना टैंकर एसोसिएशन, इन लोग का ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है, पूरा जल पूरा बांटे ना इन लोग ने, जहां पर पानी। अब इनको क्या जरूरत है, पंजाब में बांटे ना, अपनों को बांटना है तो इनको क्या जरूरत है मराठवाड़ा में जाके पानी देने को, जहां पर ये स्पेशली कितने लाख लोग पानी के लिए तरस रहे थे, शायद लाइन वाइन 1 करोड़ लीटर पानी की है। 1 करोड़ लीटर पानी, और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, बदले में कुछ नहीं मिला, बस वो पिता ब्लेसिंग देगा। गाड़ियां भी अपनी, कोई पैसा नहीं, डीजल भी अपना, खर्चा भी अपना सेवा के नाम पे। अब यही ये जो चीजें जो आती है देने के लिए, ये जो काम आता है, ये उसी गुरु ग्रंथ साहिब, उसी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के और उस विचारधारा को जो आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपने बेटे को शहीद कर दिए, शीश दान दे दिए, किस चीज को? कि अपने हम धर्म परिवर्तन न करें। हम क्यों भूल रहे हैं? आज पंजाब में आप ये न्यू बॉम्बे से आप एक लाइव देख रहे हैं, आप इस चीज को जान ले कि जिस दिन आपका आंखें खुलेंगी शायद आपको पछताने का भी मौका न मिले, अभी से आपको जागना पड़ेगा। और ये पूरे एक आरोप जो आरोप लग रहे हैं विजेंद्र सिंह पे, ये खासकर कई सोशल मीडिया में आरोप लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। सरकारें जगती क्यों नहीं है? सवाल अब सरकार से होगा, और खासकर उन सारे संगठन से हम बात करेंगे जो हिंदू संगठन है, RSS है, BHP है, और कई ऐसे संगठन है जो इस कन्वर्जन के खिलाफ इस मुहिम पे पहले लड़ते थे। आखिर विजेंद्र सिंह के मामले में क्या कर रहे हैं? नहीं, यहाँ की टीम में साथ दिया है RSS ने और विश्व हिंदू परिषद। मैं बात कर रहा हूँ पूरे देश में मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अभी तो है इस मुहिम कनेक्शन है, वो अभी तो कैसे मुहिम यहाँ चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे देश की, मैं एक लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो एक साजिश है, तो आखिर इसके खिलाफ पूरे देश में उबाल क्यों हो रहा है? जब लोग जगेंगे, सरकार जगेंगी और इन ऐसे पाखंड पे रोक लगेगी। अभी तो एक वीर जी ने बोला, उनका नाम क्या था वाहेगुरु, वो अपन गए थे ऑफिस में मिलने उनसे, उन्होंने बोला कि जब भी तुमको किधर भी कुछ रहेगा वाहेगुरु, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। ये खुद को भगवान दिखा रहे हैं, ये जीसस के नाम के क्रिश्चियन के नाम से सिर्फ क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो इनकी चाल है ना, वो खुद को भगवान शो करना, अपने आप को भगवान बना रहा है। जो इनके यहाँ जाते हैं 25,000-30,000 पर दे के जाते हैं सब सुनने, बिल्कुल पैसा लेके जाते हैं। वहाँ पर अलग अलग वो कैटेगरी बनाई गई है, अच्छा 5,000 से लेकर के 50,000 तक का होली वाटर 5,000 का है, इतना सा एक बॉटल मिलता है वो 5,000 का है। अभी एक बॉम्बे का ही एक मैटर है, अभी सुनने में आ रहा है हमारे पास, एक 17 साल की लड़की जिसको स्टेज 4 कैंसर था, हिंदू लड़की, पंडित ब्राह्मण लड़की थी, उसको किसी वहां लेडी ने, इसकी कहीं चेली ने संपर्क किया कि तुम्हारा कैंसर जो है ना वो ठीक कर देगा बजेंद्र सिंह, उससे बात करवा दी, उसने बोल दिया भी हाँ, तो बेचारे मजबूर थे तो इनके बहकावे में आकर के पंजाब चले गए। वहां जाने के बाद एंट्री फीस मांगेगी 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया मांगने के बाद वो बेचारी ने कहा कि हम तो भाई गरीब है, हमारे से पैसा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने शर्त रख दी, ठीक है हम तुम्हारा इलाज फ्री में करेंगे, क्योंकि हम क्रिश्चियनों का इलाज फ्री में करते हैं, तुम कन्वर्ट हो जाओ पूरा परिवार तो तुमसे ही 1,00,000 रुपया नहीं लिया जाएगा, तुम्हारा इलाज क्रिश्चियन होने के बाद हम मुफ्त में करेंगे। वो बेचारे मजबूरी में क्या करे, जिंदगी सबको प्यारी है, वो पूरा परिवार कन्वर्ट हो गया। 1.5 महीने के अंदर अंदर उसकी कंडीशन और बिगड़ती गई, बिगड़ते बिगड़ते वो बेचारी परलोक सधार गई, वो गुजर गई वो लड़की 17 साल की उम्र में। उसके बाद इन्होंने नया चाल चला, एक 50,000 रुपया हमको दो, तुम्हारे लिए पूजा अर्चन करेंगे या कुछ करेंगे, तुम्हारी उस लड़की को जिंदा कर देंगे।
अच्छा एक मुर्दों को, उस नाटक के ऊपर नाटक, मुर्दों को, मुर्दों को जिंदा करने वाला। अब ये तो भगवान से भी आगे निकल गया भाई, है कि नहीं? तो ये जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप सोचिए कि आप किस जाल में फंसने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर कन्वर्जन तो हो ही रहा है, आपके पैसे को भी कैसे लूटा जा रहा है, इस पे आप सोचने की बात है। और एक बहुत बड़े मुहिम, और खासकर जब यहाँ सुप्रीम काउंसिल और जब टीम जब यहाँ पर इनका विरोध कर रही है, आप भी शामिल होइए। और ये सच्चाई, आप सच्चाई देखिए और ऐसे पखंडों से जितना दूर हो सकते हैं दूर रहिए। और खासकर जब पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो हमने रिपोर्ट दिखाया था, करीब 15,000 से 20,000 से ज्यादा लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। आप भी जब सुन रहे हैं, आप देखिए कि आप कन्वर्जन के बाद आपको क्या मिला और किस साजिश के तहत आप फंस रहे हैं। ऐसे मुद्दे पे हम बात करते रहेंगे और भी हम अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, आप लोग भी अलग अलग मुद्दे पर डिस्कशन कीजिए। खासकर जब तक कन्वर्जन, जब तक पूरे इस मुहिम को हम स्टार्ट कर दिए हैं, वापस से बन रही है द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।